तो दोस्तों ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा और इनके ड्राइवरों के साथ में यहाँ पे लोगों ने क्या नालायकी करी है वो आपको अभी ड्राइवर की जुबानी सुनाएंगे। सामने ड्राइवर खड़े हुए दोनों और ये जगह आप देख लीजिए, ये जगह कहलाती है तिलहर और ये सामने ढाबा है। यहाँ पर ये महाराजा रेस्टोरेंट है और गाड़ी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, इसलिए क्योंकि गाड़ी जो है बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है और ड्राइवर बिल्कुल आराम से लेकर के जा रहा था और कुछ चोर जो थे वो इनका पीछा करने लगे यहाँ पर, जिसकी वजह से इन्होंने गाड़ी को जो है साइड में यहाँ पर दबाया है। दबाने के बाद में इन्होंने गाड़ी देखा नहीं और रात में यहाँ पर अंधेरा हो रहा था, अंधेरे की वजह से ये देख नहीं पाया और गाड़ी जो थी एक पहिया इनका पीछे चला गया है। और अभी आपको दिखाएंगे पास में चल के, पहले मैं आपको जगह दिखा देता हूँ कि ये जगह कौन सी है। तो सामने आपको देखिए एक रेस्टोरेंट का बोर्ड नज़र आ रहा है, एक वो बोर्ड लगा है और एक ये बोर्ड लगा हुआ है और ये जगह देख लीजिए आप, तिलहर जगह कहलाती है ये। और यहाँ की पुलिस ने क्या करा है वो भी हम आपको दिखाएंगे पूरा, आप देखिए ये देखिए पूरा देख लीजिए, मोबाइल नंबर वगैरह सब लिखे हुए हैं और क्या हुआ है वो आपको सुनवाते हैं ड्राइवर की जुबानी। तो आइए ड्राइवर की जुबानी आपको सुनवाते हैं कि क्या वारदात हुई है। देखिए गाड़ी कहाँ घुसी है जाकर के ये और ये खेतों में उतर गई है यहाँ पर। आओ ड्राइवर भैया तुम इधर आओ, आगे आओ, ये नीचे शायद कुछ कीचड़ वीचड़ भरा हुआ है शायद। हाँ अब यहाँ सामने खड़े होके बताओ क्या तुम्हारे क्या करा तुम्हारे साथ, कौन बदमाश थे और क्या नाम है, पुलिस वालों ने क्या हरामी पना किया तुम्हारे साथ? सर हम इधर से आ रहे थे, थोड़ा कोहरा पड़ रहा था तो हम तो आराम से आएंगे ना, तो इधर से आ गए ना, थोड़ी उसने गाड़ी वाले ने हमारी साइड दबाई तो मैंने गाड़ी इधर से जाने, देखो सामने ली भी है मेरी, मेरे टायर की देखो सब लीक भी है, तो उधर से मैंने थोड़ी इधर लाई ना, इधर गड्ढा था तो पूरी गाड़ी इधर चली गई। अच्छा तो पीछा कौन कर रहा था तुम्हारा? कार वाले पीछा कर रहे थे, उसने यहाँ चढ़ गया खिड़की से पहले मारा। अच्छा देखो इसके खून भी है, देखो मुँह पे इधर सामने आ गया यहाँ खड़े वाके, ये तुम ये कंडक्टर तुम्हारे ड्राइवर हैं? कंडक्टर है इनके, देखिए सामने यहाँ पे चोट लगी हुई है, इनको भी मारा, पुलिस ने मारा था या बदमाशों ने? बदमाश ने मारा इसको, इनको बदमाश ने मारा और पुलिस ने मेरे को मारा, पुलिस ने जो है इनको मारा है। और दोस्तों ये शायद तिलहर थाने की पुलिस होगी क्योंकि तिलहर जगह लगती है, आगे आप इस साइड जाएंगे तो तिलहर की पुलिस जो है यहाँ पर पड़ेगी। तिलहर की पुलिस वालों ने इनके साथ जो है हराईपना किया और इस वीडियो को आप जो है बहुत ज़्यादा वायरल करिएगा, बहुत ज़्यादा शेयर करिए ताकि ट्रक ड्राइवरों के साथ जो ये लोग हरामीपना करते हैं ना वो सब जो है पता हो सके। और ये जगह देख लीजिए सामने कौन सी है, ये देखिए, और गाड़ी जो है वो किस तरीके से उतरी है वो भी आप देखिए कि एक टायर इसका जो है आगे का उठ चुका है। और उधर से भी आपको दिखाते हैं, 4 नंबर की गाड़ी है ये हरियाणा की और ज़रा सी और झुकी अगर ये, और देखिए कि कितना रिस्की काम कर रहे हैं यार ये लोग कि इधर से ये लोग जैक लगा रहे हैं और अगर जैक मान लीजिए हट जाता और गाड़ी एकदम से नीचे झुकती है तो कोई भी इसके नीचे जो है वो दब सकता है। तो ये अपने आप निकालने की कोशिश कर रहा है, सामने टायर की हालत देखिए आप क्या हो रही है, मैं भी खड़ा हूँ तो मुझे भी डर लग रहा है कि ये गाड़ी कहीं मेरे ऊपर ही ना गिर पड़े, देखिए कितनी तिरछी है और कहाँ फंसी है ऐसे, इन्होंने शायद जोर भी लगाया लेकिन गाड़ी निकल नहीं पा रही है। ये देखिए ये जैक लगा हुआ है, ये तुम जैक यार इस तरीके से मत लगाओ, अगर ये जैक कहीं बाई चांस रपट गया और गाड़ी फिर से झुकी तो ये ऊपरी गिर जाएगी तुम्हारे। अच्छा 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 उठाना मत इससे, उठाने की कोशिश मत करना इससे, ऐसे लगाने के लिए। हाँ इसको लगा के रखो, छोटा पड़ गया वहाँ लगता पुणे पे। अच्छा 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 छोटा पड़ गया वहाँ लगता। अच्छा इसे क्रेन से निकलवाओ तुम गाड़ी को। अच्छा अच्छा हाँ अभी क्रेन आ रही है, तुम इसके साइड में मत खड़े हो क्योंकि अगर ये गिर गई गाड़ी तो तुम्हारे ऊपर ही गिरेगी, धोखे वाली गाड़ी हो गई है। तो देखिए किस तरीके से गाड़ी जो है फंसी हुई है यहाँ पर,